हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जीनियस गुरु। सो गाइस रिसेंटली कमेंट्स जब मैंने अपने कमेंट बॉक्स में देखा तो गाइस मैक्सिमम पीपल्स के ये रिएक्शन थे कि पेड फॉर आर्टिकल्स पे अपडेट के बाद आर्टिकल्स सबमिट नहीं हो रहे। तो गाइस डोंट वरी, तो कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया, तो ये कोई भाई है, इन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, वीडियो क्लिप भी सेंड की थी, तो इसमें इन्होंने मेंशन करा है कि इनका आर्टिकल जो है वो सबमिट नहीं हो रहा। और दोस्तों एक क्या है उत्सव एडिक्टेड, गाइस इनकी भी सेम स्टोरी यही है। तो आज की इस में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे आपको आर्टिकल सबमिट करना है। और गाइस पहले क्या होता था, पेड फॉर आर्टिकल पे पहले हमारा आर्टिकल जो है वो रिव्यू में जाता था, तो काफी टाइम बाद अप्रूव्ड होता था। बट आफ्टर अपडेट के बाद गाइस पेड फॉर आर्टिकल्स पे जो आपका आर्टिकल है वो इंस्टेंट अप्रूव्ड भी हो जाता है। और किस तरीके से आपको लिखना है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आपको हाई एंड यूनिक आर्टिकल लेना है, किस तरीके से सबमिट करना है, और क्या क्या आप प्रॉब्लम करते हो जिसकी वजह से आर्टिकल सबमिट नहीं हो पाता। तो गाइस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, एक एक स्टेप पूरा कंप्लीट करूंगा। उससे पहले दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना ज्यादा हार्डवर्क करके एक वीडियो पूरा रिसर्च के साथ एंड विद प्रूफ के साथ लेके आता हूं, उसके बावजूद भी 86% हमारे व्यूअर, हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब करो, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन देख के गाइस अंदर से खुशी होती है और मोटिवेट होता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले गाइस मैं लॉगिन हो लेता हूं पेड फॉर आर्टिकल्स के ऑफिशियल डैशबोर्ड पे। तो मेरा एक डेमो अकाउंट है बेसिकली, मैं उससे लॉगिन हो लेता हूं। वहां पे थोड़ा बहुत आर्टिकल्स मैंने ऑलरेडी अप्रूव्ड करा रखे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सामने लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कहां से मैं आर्टिकल लूंगा और किस तरीके से गाइस इंस्टेंटली सबमिट भी होगा और अप्रूवल भी मिलेगा, ठीक है। और पेड व्यूज कैसे लेते हैं, तो वो तो मैंने रिसेंटली सारी वीडियोस में गाइस कर रखा है, और कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है दोस्तों। अगर आप आईपी चेंज वगैरह करके जो पेड व्यूज लेने की कोशिश करते हो तो कब तक करोगे गाइस, अगर आप उतना दिमाग उतनी मेहनत अपने आर्टिकल्स में लगा दोगे उससे वैल्यूएबल बनाने में, तो आई एम डेफिनेटली श्योर गाइस उससे अच्छा खासा रिजल्ट आपका आ सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिसेंटली मेरा ये अकाउंट ओपन हो चुका है, एंड देन हमारा गाइस हम चलते हैं ऐड अकाउंट पे, ठीक है, सिंपली ऐड अकाउंट पे चलते हैं। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं गाइस, तो मैं उनके लिए बता दूं कि पेड फॉर आर्टिकल्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप किसी भी निश से रिलेटेड आर्टिकल्स को टाइप करके एंड यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बट गाइस यहाँ पे डेडिकेटेड होके वर्क करना पड़ेगा, कोई सा भी वर्क हो गाइस ऑनलाइन उसमें हमें अपना हार्डवर्क एंड थोड़ा सा माइंड यूज करना ही पड़ता है। सो हम आ गए हैं अपने आर्टिकल राइटिंग सेक्शन पे, एंड देन गाइस अब मैं बात करूंगा कि किस तरीके से पहले आपको एक ऐसी वेबसाइट है वहां से आपको हाई यूनिक एंड कुल यूनिक गाइस 100% SEO ऐसा आर्टिकल्स आपको फ्री में मिल जाएगा, कहीं पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहां पे भी गाइस मैं आपको बता दे रहा हूं वो वेबसाइट है PLR आर्टिकल्स, ठीक है। ऑलरेडी मैं पहले भी अपनी वीडियो में शायद है बता चुका हूँ। तो सिंपली ये वाली वेबसाइट को हम ऑन कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, इसका फुल फॉर्म है वो देख सकते हैं, प्राइवेट लेवर राइट आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक चीज इन्होंने मेंशन कर रखी है, आप पहले इसे पढ़ लीजिएगा। देन आफ्टर गाइस जब आप अपनी राइट हैंड साइड देखोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी निशेज ऑलरेडी लिखी हुई हैं, और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे ये सारे आर्टिकल्स, जो भी आपको आर्टिकल्स मिलेंगे ये बहुत सारे हैं गाइस, इनसे आप बहुत ज्यादा से ज्यादा पेड फॉर आर्टिकल्स पर एक एक दिन में 10 से 15-20 पोस्ट तक आर्टिकल्स अच्छे से जनरेट करो गाइस। और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से आपको करना, ये देखिए बहुत सारे इसमें हैं। एंड हम आपको ओनली डेमो लेने के लिए कुछ भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक हम कोई एफिलिएट मार्केटिंग या कोई हाई CPM वाला कोई एक निश चूज कर लेते हैं गाइस। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग मैंने चूज कर लिया। अब देखिए एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे कंटेंट आ गए गाइस, आर्टिकल ये सारे यूनिक एंड हाई क्वालिटी वाले हैं गाइस। तो बेसिकली ये ओनली डेमो देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ से अच्छे से कोई ऐसा कीवर्ड निकालिए जिसमें CPM एंड वैल्यू वाला अच्छा हो और
पेड फॉर आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट हो, जिसके अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है पेड फॉर आर्टिकल्स का तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे वो अपनी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेली मैसेज करते हैं कि हमें इस पे आर्टिकल चाहिए, तो आप उसी से इसमें देख सकते हो। तो आपको क्या करना है गाइस, तो देखिए सपोज हमें ये वाला पेनेट सिस्टम्स मर्चेंट अकाउंट एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है, वो सिंपली मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेड फॉर आर्टिकल्स पे ही यहाँ से आर्टिकल्स लिख के पेस्ट करो, कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। आप ब्लॉगर हो या कोई ब्लॉग टाइप करते हो अपने गूगल एडसेंस पे अपने ब्लॉग पे, तो गाइस एक चीज़ और मैं हाईली रिकमेंड करूँ आपको, मैंने पहले भी आपको बताया था, आप अपना एक खुद का ब्लॉग स्टार्ट कीजिए एंड यहाँ पे ढेर सारी नेसेस हैं, उसमें मेन्यू बनाइए एंड यहाँ से जिस तरीके से अब मैं आगे बताने वाला हूँ उस तरीके से आप वहाँ पे डेली आर्टिकल पब्लिश कीजिए। और गाइस वही आर्टिकल्स आप पेड फॉर आर्टिकल्स पे भी कर सकते हैं, वही नहीं यहाँ तो डिफरेंट भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आर्टिकल्स ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है। सो गाइस जब आप वहाँ पे भी टाइप करोगे अच्छे से तो 30-35 आर्टिकल्स के बाद आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेके भी बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू अपने खुद के ब्लॉग से भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न आते हैं अपने पॉइंट पर, तो हम ये वाला आर्टिकल्स जो है आपको वहाँ पे पब्लिश करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसकी जो हेडिंग है वो पहले देखनी है कैची टाइप है या नहीं पेड फॉर आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट एंड ऑथर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले तो ये देख लेते हैं द 3 ईजिएस्ट वेज फॉर नेवीज टू स्टार्ट इन एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो ये भी सही है, हमारा कैची टाइटल मिल गया है हमें, तो सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे एंड देन गाइस वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे टाइटल हम रखेंगे गाइस बिजनेस, ओके। एंड देन समरी में हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा हमें कोई कॉमा तक एक लाइन्स वगैरह यहाँ से उठा लेनी है, थोड़ा सा ऊपर करके 2-4 लाइन्स ओनली, तो यहाँ पे हमें इसे भी कॉपी कर ले रहे हैं एंड देन गाइस यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। अब गाइस मेन चीज़ आती है, देखिए हमें आर्टिकल्स किस तरीके से कॉपी पेस्ट करना है। देखिए हमें आर्टिकल्स पूरा यहाँ से पहले तो आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद गाइस गूगल में आप टाइप करोगे आर्टिकल रीराइटर, ठीक है। और गाइस जैसे ही आप गूगल में ये टाइप करोगे तो आपको इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, तो आपको ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है, ध्यान रहे आपको ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है thesmallesttools.com, ठीक है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ एंड देन इसे ओपन कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आपको देख क्या करना है गाइस, एक एक स्टेप देखिए, प्लीज़ स्किप मत करिएगा, बिकॉज अगर आप स्किप कर देते हो तो कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से मैं फिर डिस्क्राइब नहीं कर पाता इसी चीज़ को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही आर्टिकल जो है पेस्ट कर देंगे एंड देन गाइस नीचे चल के इसे रीराइट आर्टिकल पे सिंपली क्लिक कर दो। यहाँ पे हम थोड़ा सा गाइस वेट कर लेते हैं, और ये देखिए हम यहाँ पे प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो गया, 34% हमारा स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे हम वेट करते हैं इसे 100% हो जाने देते हैं, ठीक है। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा 100% हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये आर्टिकल्स सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना गाइस, सेम एज इट इज आपको यही करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल भी आपको चेंज नहीं करना। अब आपको सिंपली ये यहां पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। देखिए अब आपको ये ऊपर से लेके पूरा सिलेक्ट करके गाइस एंड गाइस इसे जस्टिफाई कर देना है यहाँ से, ठीक है। अब गाइस अपने हिसाब से इसे थोड़ा सा, जैसे कि आप अगर वर्क करते हो तो थोड़ा सा आपको भी पता होगा कि यहाँ पे आपको अब अपने आर्टिकल्स को जो है थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर देना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई कॉमा देखना है यहाँ से और थोड़ा इंटर दे देना है, और गाइस पैराग्राफ पढ़ के उसकी हेडिंग्स आपको बना देनी है। तो यहाँ पे मैं इस वजह से ये आपको थोड़ा सा बस उतना रहने देता हूँ जितना आप कर सको, ठीक है, क्योंकि वीडियो हो जाता है लॉन्ग, आप समझ सकते हैं, तो इस वजह से गाइस पूरा मैं आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा अच्छे से कस्टमाइज़ कर लोगे, और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बीच बीच में यहाँ पे पिक्चर्स भी यूज़ करोगे। पिक्चर कॉपीराइट फ्री आपको कहाँ से लेना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, बट फिर भी बता दे रहा हूँ गाइस, आपको पिक्सावे से पिक्चर कोई भी चूज़ कर लेनी है जिस निश से रिलेटेड आप अपना आर्टिकल लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे मैंने एफिलिएट से रिलेटेड वो लिखा था, तो मैं एफिलिएट से रिलेटेड एक कोई पिक्चर डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो सिंपली आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे याद रहे गाइस हमेशा
कम साइज़ वाला ही आपको डाउनलोड करना है, कर देना है। ये 96 है तो मैं सिंपली इसे डाउनलोड कर देता हूँ, ये मेरा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली अब हम आते हैं बैक, और गाइस यहाँ पे आपको हेडिंग्स भी बना देनी है, ठीक है। इतना सारा करने के बाद गाइस अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से पहले तो हमें वो पिक्चर लगा देनी है जो हमने अभी अभी डाउनलोड करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो पिक्चर लगा दी, और रिव्यूअर को मैसेज गाइस अट्रैक्टिव सा लिखना है, जैसे कि आई एम ए प्रोफेशनल ब्लॉगर, प्रोफेशनल आर्टिकल राइटर, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से अपना कोई अट्रैक्टिव सा मैसेज लिख देना है, एंड देन यहाँ पे लास्ट में लिख देना है अप्रूव्ड माय आर्टिकल एज सून एज पॉसिबल। सिंपली आपको ये इतना टाइप कर देना है, एंड देन अब आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे गाइस क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए कंटेंट इज यूनिक। अब गाइस आपको क्या करना है, चेक ग्रामर इस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये पूरा ग्रामर का जो है पूरा पैराग्राफ चेंज करेगा, चेकिंग ग्रामर एरर। तो इसने हमें 13 ग्रामर एरर बताए गाइस, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वही ग्रामर एरर हम सही कर लेंगे। सो गाइस इतना करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, चेक ग्रामर वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है, और जितने भी ग्रामर एरर होंगे हमारा ये आ जाएगा, देखिए इन्होंने इश्यू फाइंड कर लिया ग्रामर इश्यू, ठीक है। तो अब हमें ये फिक्स करना है। इससे पहले गाइस मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आपने अगर ग्रामरली एक्सटेंशन क्रोम का अभी तक अगर ऐड नहीं किया आपने क्रोम में, तो गाइस बेसिकली इसे कर लीजिए, बिकॉज ये काफ़ी यूजफुल है। इससे हमारा ग्रामर जो है वो बहुत जल्दी सही हो जाता है, को इसलिए ग्रामरली अपने एक्सटेंशन ऐड कर लीजिए, ठीक है। जब आप ये ऐड कर लोगे तो ऑटोमेटिकली हमें ये दिखा देगा। तो जहाँ पे रेड लाइन्स है सिंपली आप उन्हें एक एक क्लिक में गाइस अच्छे से सही कर दोगे पूरा। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव सब कुछ अच्छे से पूरा सही कर देता हूँ, देन आफ्टर ऑटोमेटिकली गाइस आपका नेक्स्ट वाला जो सबमिट वाला बटन है वो आपको हाईलाइट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इन्होंने अपडेट कर दिया है, और गाइस काफ़ी अच्छा अपडेट है, इससे हमें ही हेल्प मिलती है दोस्तों। तो इससे होता ये है कि जब ग्रामर्स वगैरह सब अच्छी होती हैं तो गूगल्स में हमारा जो आर्टिकल होता है वो रैंक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, इससे आपके पेड व्यूज़ भी इंक्रीज होते हैं। तो ये फाइनली मैंने पूरा थोड़ा सा सही कर लिया, और जहाँ पे भी मिस्टेक थी आपको सब यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये हमारा एक डेमो आर्टिकल मैं ओनली करके दिखा रहा हूँ गाइस। सो गाइस एज यू कैन सी जब आप ग्रामरली मिस्टेक पूरा करेक्ट कर लोगे उसके बाद आपके सामने एक ग्रीन पॉपअप हो जाएगा, कंटिन्यूस ग्रामर एरर फ्री। सो गाइस मेक श्योर आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। देखिए आपको सबसे पहले चेक प्लेक्सरम, एंड देन आफ्टर आपको ग्रामरली मिस्टेक, इस पर विशेष ध्यान देना है। और गाइस जब आप वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं तो ध्यान रहे कि अनवांटेड जो स्पेस होता है गाइस वो नहीं रहना चाहिए, और कॉमा और गाइस फुल स्टॉप और जहाँ पे भी हमारा ब्रैकेट वगैरह होता है तो इस पर हमें डीपली एनालाइज करके ही करना है। जैसे कि यहाँ पे एक स्पेस ज़्यादा है तो गाइस यहाँ पे हम इसे ऐसे कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला बटन जो है वो हाईलाइट होगा। सो आई होप गाइस बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, आप लोगों ने यहाँ पे हाउ टू करके ही कंटेंट डालना है, कोई भी क्वेश्चन मार्क इसमें डालना है, जैसे हाउ टू, होम, व्हाट इज, व्हाट टाइप, एंड कुछ भी ऐसे करके इसमें डालना है। एंड देन मेन फिर से मैं आपको रियलाइज़ करा दे रहा हूँ गाइस, और यहाँ पे आपको जब वहाँ से कॉपी पेस्ट डालना है तो मेक श्योर कोई भी आपका फुल स्टॉप, कोई भी हैडिंग एंड कोई भी एक्स्ट्रा अनवांटेड स्पेस ना रहे, और मेक श्योर H1 2 हेडिंग्स जो है वो प्रॉपर बनी रहें। और गाइस और एक चीज़ और ध्यान में रखना गाइस, जो मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, आपने कोई सा भी पैराग्राफ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर देना है, ओनली 2-3 लाइंस या 3-4 लाइंस के बाद एक प्रॉपर पैराग्राफ एंड विद हेडिंग लिखना है। तो गाइस पहले से थोड़ा सा ये एडवांस ज़रूर हो गया, बिकॉज इस वजह से कि पहले लोग कुछ भी कॉपी पे टाइप करके कुछ भी कर देते थे और पेंडिंग में भी चले जाते थे गाइस, अप्रूव नहीं होते थे, बट अब ऐसा नहीं है। तो फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबमिट का बटन हाईलाइट हो गया है, तो मैं सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। सो गाइस जो ये अपडेट हुआ है तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा अपडेट हुआ है, बिकॉज हमारा अच्छे से यहाँ से सब कुछ हो तब भी जाता है। एंड देन गाइस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए अप्रूव्ड, ये जो अपडेटिंग करी गई है वो इसी वजह से करी गई है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यही चेकिंग वगैरह टीम, पेड फॉर आर्टिकल्स की टीम जो है वो यही सब चेक करती थी आपके आर्टिकल्स में, तो उन्होंने सब कुछ यहीं पे
कर दिया है आपके लिए और अपना काम ख़त्म कर दिया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाता है। तो गाइस आई होप मैंने आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर दी है, और फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूंगा। एंड गाइस मेक श्योर प्लीज़ या डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। एंड गाइस जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझे इंस्टा पे ज़रूर शेयर किया करें, मैं हर हाल में आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश किया करूँगा। और दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय। दोस्तों खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।